हिमाचल प्रदेश में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक लगातार जारी है और अभी तक की अगर बात की जाए तो 7 शव लोगों के बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग लापता हैं और लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, सेना की टीम भी लगी हुई है और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। 7 लोगों के अब तक शव बरामद हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो काफी परेशान कर रही है। तो वहीं अपनी जान जोखिम में डालकर सेना एनडीआरएफ लगातार लोगों की मदद में जुटा हुआ है। पुल बनाए जा रहे हैं ताकि राहत बचाव कार्य को तेज किया जाए। कई जगहों पर घर गिर पड़े हैं, दुकानें गिर पड़े हैं। मलबे में बहुत सारे लोगों के फंसे होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। बहुत सारे लोग लापता हैं तो लापता लोगों को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो परेशान करने वाली है। हिमाचल के सिरमौर में भी लैंडस्लाइड हुआ और यहां पांवटा सलाई नेशनल हाईवे पर दरकी पहाड़ी और सलाई में उत्तरी के नजदीक मार्ग बंद है। ये देखिए आप तस्वीरें, लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। भयंकर तरीके से डराने वाली चौंकाने वाली तस्वीरें। सिरमौर में लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा तलाशी अभियान रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या कुछ कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अभी तक के हालात पर वो भी आपको। हमारे को मजबूरी है, आना जाना बहुत ही मजबूरी है। अब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, चलना फिरना सब कुछ बंद है। तो कुछ ना कुछ तो सोर्स होना चाहिए हमारे को कि आना जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है ना। अब हमारे को जाना पड़ेगा देखो किन्नौर। हाँ जी, टूट गया है तो लोग प्रभावित हुए रास्ता में क्या दिक्कत बहुत यहाँ से। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट है, पूरे परली साइड धारासर का है, सरपारा वाले सारे एक ही जगह से मेरे हुए हैं। बहुत ही मुश्किल हो रही है हमारे को चलने, पैदल जाना पड़ रहा है जी। तो क्या करेंगे सरकार को, जल्दी रास्ता शुरू करें। हाँ जी, जल्द से जल्द हो सके। ये टूटा कैसे रास्ता है? ये तो जो बादल फटने के कारण बारिश की रात। हाँ जी, रात को बारिश भी बहुत हुई। सर मैं हेड कांस्टेबल फायर CSF से राजेश कुमार। सर SGVN झाकड़ी CSF से। ये सर जो दो दिन पहले यहाँ जो त्रासदी हुई है उसमें जो घरों में सामान फंसा हुआ है उसकी हम रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं सर। उनका घर का सामान को हम सेफ बाहर निकलवा रहे हैं। ये टीम हमारी सुबह से लगी हुई है सर और ये घरों का सामान इनका अभी बाहर किया जा रहा है। ये समेज गाँव है सर। नहीं सर, अभी तक कोई कैजुअलिटी अभी तक हमें तो कहीं नहीं मिली है। सामान ही है और सेफ है ये, थोड़ा अभी मतलब इनका सामान ही बचा पा रहे हैं इनका। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं फुल स्क्रीन पर, आप ये देखिए सिलाई से ये तस्वीर सामने आई। सिरमौर में लैंडस्लाइड हुआ है पांवटा सिलाई नेशनल हाईवे पर। पहाड़ दरक गया और जो मलबा ऊपर से गिरा है, जो पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानें पत्थर गिरे हैं उसकी वजह से अभी फिर रास्ता बंद हो गया। सिलाई में ये मार्ग बंद है। लैंडस्लाइड की एक और भयंकर तस्वीर, खतरनाक तस्वीर। तो ये सिलाई के उत्तरी का मामला है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। सिलाई में उत्तरी के नजदीक ये मार्ग बंद हो चुका है यहां पर लैंडस्लाइड की वजह से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित इलाकों में बीजेपी सांसद अनिल बनूली पहुंचे। अधिकारियों से उन्होंने राहत बचाव कार्यों का फीडबैक लिया। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हालात ठीक नहीं है। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि फंसे लोगों को निकालने पर सरकार का पूरा ध्यान है। लोगों तक मेडिकल और राहत सामग्री पहुंचाने पर भी हमारा जोर है। आपने देखा कि प्रकृति का जितना रौद्र रूप आप लोगों ने देखा, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पर आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहां फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज है, वो कैसे वो मुहैया कैसे, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। उनको खाने पीने की सामग्री किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जा रही है और जैसे ही मौसम खुलता है उन सबको निकालने की हम लोग तैयारी में हैं। जो लोग शारीरिक रूप से फिट हैं
उनको तो निकाला जा रहा है। जो लोग अभी इतना चलने की हालत में नहीं है वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनको सारा वहाँ खाद्य सामग्री दी जा रही है, जैसी मौसम ठीक होगा उनको वहां से निकाल लेंगे। और लाहौल स्पीति के दारचा में बादल फट गया, बादल फटने से एक पुल को भी नुकसान पहुंचाया, दारचा श्रृंखला मार्ग पर नुकसान हुआ है। रास्ता बहाल करने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है, स्थायी पुल बनाने में करीब 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा, यह कहना है बीआरओ का। तो बादल फटने की वजह से जो दारचा श्रृंखला मार्ग है उसको काफी नुकसान पहुंचा और अब यहां पर अस्थायी पुल बनाने का काम किया जा रहा है। प्रेमलाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रेमलाल अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, पिछले कल की घटना बताई जा रही है, जो दारचा श्रृंखला रोड है उसमें एक जो निर्माणाधीन एक पुल था वो उसमें जो है बादल फटने के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, और इसके साथ साथ जो जो दूसरे एक दो जगह नेटवर्क की वजह से उनसे ठीक से बात नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ, और जहाँ से प्रेमलाल बात कर रहे थे काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र में वो रहते हैं तो नुकसान पहुंचा है। दारचा और श्रृंखला मार्ग पर बादल फटने की वजह से स्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है, बीआरओ की टीम लगातार जुटी हुई है, लगी हुई है, अभी 2 से 3 दिन का वक्त इसमें लग जाएगा।